अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो। मैं स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। सानिया मिर्जा जी पिछले साल शादी के लिए तैयार थी, फराह खान ने धमाका कर दिया। पाकिस्तानी बुरे नहीं होते, शोएब मलिक से शादी गलती थी। सानिया मिर्जा के आखिरी बर्थडे पर कौन से राज जो हैं वो बेनकाब हुए थे? फराह ने उनको शोएब के हवाले से क्या कहा था और मूव ऑन होने के हवाले से, लड़के के हवाले से, अगली शादी के हवाले से क्या बातें पहले ही बता दी थी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा की दूसरी शादी की खबरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं और इसके पीछे कोई और नहीं, उनकी बेस्ट फ्रेंड फराह खान है। फराह खान जो है बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर हैं, डांस डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्में वगैरह भी डायरेक्ट करती हैं और सानिया मिर्जा की बेस्ट फ्रेंड हैं। सानिया ने लास्ट बर्थडे जो है वो फराह खान के साथ मनाया था। नवंबर में दुबई में होने वाली इस लाविश पार्टी में सानिया मिर्जा और फराह खान, उनके साथ बहुत सारे इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स थे और उस वक्त सानिया मिर्जा ने शोएब की बेवफाई के हवाले से जो है वो इनसे जिक्र किया था, अपनी बेस्ट फ्रेंड से, और तीसरी शादी के हवाले से बताया था कि वो बाज़िद हैं तीसरी शादी करने पर और हमें ऑप्शन दिया है कि हम यहाँ पर रहें, मुझे तलाक जो है वो नहीं दी जाएगी या मैं खुला नहीं लूँगी, मैं यहाँ पे ज़िंदगी गुजारूँगी और उनकी जो तीसरी बीवी है वो पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारेगी। अब हर कोई इकरारुल हसन की बीवियों जैसा तो नहीं होता कि एक घर में दो दो बीवियाँ रह रही हैं, अल्लाह ताला जी उनको और तौफीक दे, लेकिन यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा ने जो है उसी वक्त कह दिया था कि ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने फराह से ये चीज़ें डिस्कस की थी और बताया था कि तीसरी शादी का प्लान है इनका। सानिया मिर्जा अपनी बेस्ट फ्रेंड से सब कुछ जो है वो शेयर करते हुए काफ़ी दुखी थी, फराह ने इसको बाद में बताया भी था। फराह ने उसे हौसला दिया था और मूव ऑन होने के लिए उसी वक्त कह दिया था, मशवरा यही दिया था कि जो खुला ली है सानिया ने ये इन्हीं के मशवरे से ली है, क्योंकि आप देखें कि शोएब तलाक दे नहीं रहा था, पैसा एक बड़ी अमाउंट में जो है वो तलाक के बाद हक महर के तौर पर शोएब को देना पड़ना था, तो इसीलिए वो लटका रहे थे अपनी तीसरी शादी को भी और इस तलाक को भी। तो फराह के मशवरे से कि भाई तुम जान छोड़ो, तुम सदका समझ दो, तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी है, तुम पैसा माफ़ कर दो, तुम खुला ले लो और इस बंदे से जान छुड़ाओ, फराह ने उसको काफ़ी हौसला दिया था उस वक्त और मूव ऑन होने के लिए जो है कहा था। इसके बाद फराह खान ने अपने इंस्टाग्राम पर सानिया की पिक्चर के साथ जो है पोस्ट शेयर की थी कि तुम बहुत बेहतर डिजर्व करती हो। सानिया और फराह के जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने कंफर्म किया था कि सानिया जो है वो दूसरी शादी के लिए मान गई है, लेकिन उसे इस हान की फिक्र है, वो चाहती है कि उसको कोई ऐसा शख्स मिले जो उसके बच्चे को बाप की तरह प्यार दे, क्योंकि फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है कि इजहान जो है अपने सगे बाप से मिलेगा, क्योंकि सगे बाप के साथ कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, सगा बाप जो है वो एक औरत के लिए छोड़ के चला गया, उसके बाद कभी मिलने भी नहीं आया। तो फराह खान ने सानिया को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवाने की भी जो है प्लान बनाया था, उसका जिक्र भी किया था। इस वक्त सानिया मिर्जा की बहन अनम और जो फराह खान है जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इन्होंने मिलकर सानिया पर जल्दी से दूसरी शादी करने का प्रेशर जो है वो डाला हुआ है और ये कहती हैं कि अगर तुमने लड़का नहीं ढूंढा तो हम मिलके ढूंढ लेते हैं। सानिया का कहना है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, जैसे कि कपिल शर्मा शो में उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत की, दूसरी मोहब्बत की तलाश में हूं। तो अनम का कहना है कि जैसे जैसे इजहान बड़ा हो रहा है उसके लिए नए बाप के साथ एडजस्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दूसरी शादी तुम्हें हर हाल में करनी चाहिए। तुम्हारा एक्स हस्बैंड ना अपने सगे बच्चे के बारे में उसने सोचा और ना ही तुमसे मोहब्बत की शादी करने के बाद जो है कुछ सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा, तुमने इतनी कुर्बानियाँ दी, बच्चा पैदा जब हुआ इनका फर्स्ट बेबी जो हुआ है उसके बाद इनको इतने प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़े, फिजिकली इनको अनफिट जो है करार दिया गया, बड़ी स्ट्रगल की है इस औरत ने, बड़ी मेहनत की है, जिस शख्स के लिए इतना कुछ किया वो बंदा जो है किसी और औरत की मोहब्बत में, इश्क में मुबतला हो जाता है, यहाँ पर भी घर अपना ख़राब करता है, बच्चे की ज़िंदगी भी तबाह की जाती है और वहाँ पर उमैर जसवाल से एक मोहब्बत की शादी की जाती है, उसके 6 महीने बाद ही जो है, बल्कि उससे भी कम टाइम में एक नए बंदे से मोहब्बत हो जाती है। तो मोहब्बत इन लोगों ने ऐसे बना दी है कि मोहब्बत ना हो गई कपड़े हो गए, कि कपड़े भी इंसान इतनी जल्दी चेंज नहीं करता जितनी जल्दी इन लोगों को मोहब्बतें होती हैं। तो फराह खान जो है सपोर्ट कर रही हैं। फराह खान ने जो है फिर ये कहानी सुना दी है कि बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी देने जा रहे हैं। कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि ये खुशखबरी कहाँ से होगी, क्या कोई आम शख्स होगा, ये अरेंज मैरिज होगी या फिर सानिया जैसे कह रही हैं कि मोहब्बत की तलाश में हूँ, उनको मोहब्बत मिल चुकी है या फिर अभी ढूंढ रही हैं। दुआ करिएगा कि हर इंसान को जो है मोहब्बत मिले और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको आपका पार्टनर छोड़कर, फेंककर, तकलीफ देकर, तोड़ के चला जाए तो आपको उसके लिए आंसू बहाने चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए जिस तरह से सानिया मिर्जा करने की कोशिश कर रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती। बाय बाय।